भारतीय न्याय संहिता के हिट एंड रन धारा के प्रावधानों के विरुद्ध ट्रक ड्राइवरों बस ड्राइवरों की हड़ताल आज भी जारी रही। ट्रक एसोसिएशन मोटर चालक एसोसिएशन की ओर से हड़ताल की गई थी और इस हड़ताल का व्यापक असर अब पेट्रोल की सप्लाई पर पड़ने लगा है। इस पूरे रिपोर्ट में हम झाबुआ राजपुर जिले की तस्वीरें आपको बताएंगे। सबसे पहले तस्वीर हम आपको जोबट की बताते हैं। जोबट में आज कॉलेज तिराहे पर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। आक्रोशी चालक वहां पर जुट गए और वो आने जाने वाले वाहनों को रोक रहे थे, कुछ कुछ समझाइश दे रहे थे और इस दौरान मौके पर SDOP SDM भी पहुंच गए और वो उन्हें बार बार समझाइश दे रहे थे। बार बार धर पकड़ की असफल कोशिश भी हो रही थी। गुस्साए ट्रक चालक, जो ट्रक और बसों के चालक थे, उनका कहना था कि ये कानून उनके लिए एक बड़ा खतरा है, उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। ये तस्वीरें आप जोबट की देखिए और सुनिए क्या कहा चालकों ने और वहाँ के SDOP ने। ये है कि जैसे ड्राइवर स्टाफ पूरा है, उनके लिए 7 लाख रुपए का जुर्माना है, 10 साल की सजा है, तो ये क्यों है? किस कारण से? अगर ड्राइवर के पास 10 लाख रुपए 7 लाख रुपए होता तो ड्राइवर ही नहीं करता, ये नौकरी नहीं करता। रात भर दिन भर भूखा प्यासा, कहाँ कहाँ का पानी कैसा है कैसा नहीं, नहाने धोने का तक का हमको मिलता नहीं है। हमारी व्यवस्था करती क्या सर? प्रशासन कोई हमारी व्यवस्था करती? कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो पुलिस वाले हमको पहले गिरफ्तार करेगी। भले हम खड़ी गाड़ी में भी कोई बाइक वाला खायला पेला आके भरा जाएगा तो भी बड़ी गाड़ी वाले का गलती निकालते हैं। साइड पट्टी पे खड़ी गाड़ी, उसमें भरा जाएगा आदमी, तो भी तूने यहाँ खड़ी करी तो क्यों करी, गाड़ी क्यों खड़ी करी? ऐसा ऐसा क्यों है? हमारी हमारी मांगे ये है, ये काला कानून हमको नहीं होना चाहिए, रद्द किया जाए। और ये 7 लाख रुपए और 10 साल की सजा हम नहीं भुगतेंगे, नहीं तो और गाड़ी नहीं चलने देंगे, कानून रद्द किया जाएगा नहीं। ये निकल हम तो हर जगह ड्राइवर परेशान है क्योंकि रिश्वत सबसे पहला मुद्दा है, क्योंकि ड्राइवर एकता भी जो है, क्योंकि हमेशा पुलिस वाला रिश्वत के पीछे ही भागता है। कोई भी अधिकारी हो तो ये कानून क्यों है? क्योंकि ये कानून क्यों है? क्योंकि ड्राइवर कोई ऑटोमेटिकली एक्सीडेंट नहीं करता, जो पीछे से आके भरा जाता है, साइड में आके भरा जाता है और भुगता ड्राइवर कहाँ से भुगता का ड्राइवर? ये चीजें ड्राइवर अभी बड़वानी की बात बता रहा हूँ, कल परसों की बात है, पीछे पिछले टायर में भरा गया और उसके पैर टूट गए। वो गाड़ी ट्राले आज भी खड़ा है थाने पे, अब उसको पिछले टायर में भरा गया, रॉन्ग साइड से भरा गया गाड़ी वाला, वो गाड़ी को क्यों खड़ी कर रखी? उसको छोड़ो, उसको रवाना करो, ड्राइवर को मार। जैसा कि विदित है, विगत कुछ दिनों से जो ड्राइवर एसोसिएशन के लोग हैं वो अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इसी तारतम्य में आज जोबट के कॉलेज तिराहे पे कुछ ड्राइवर एसोसिएशन के लोग वहाँ पर बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिनको पुलिस और प्रशासन के द्वारा मौके पे जाकर समझाइश दी गई और उन्होंने एक प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है और उनकी मांग जो है वो हम वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। जोबट के बाद अब आपको अलीराजपुर लिए चलते हैं। अलीराजपुर में भी हड़ताल का व्यापक असर देखा गया। बस स्टैंड की ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं जिसमें तमाम बसें खड़ी हुई हैं और जो चालक हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर चालकों ने इस कानून का विरोध किया और जो चालक गाड़ी चलाते हुए पाए गए उनको बकायदा माला पहनाकर उन पर तंज कसा गया, व्यंग कसा गया। ये तस्वीर भी देखिए कि किस तरीके से माला पहनाई गई और क्या उनको कहा गया। अब अलीराजपुर से सीधे आपको हम चंद्रशेखर आजाद लिए नगर लिए चलते हैं। यहाँ पर भी आज भी प्रदर्शन जारी रहा, कल भी यहाँ पर उग्र प्रदर्शन हुआ था। यहाँ तो बकायदा एक चालक को माला पहनाकर चूड़ी भी भेंट कर दी गई। चालक इसलिए गुस्से में थे कि ये कानून, उनका कहना था कि ये कानून सभी चालकों की ज़िंदगी को ख़त्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। बावजूद इसका विरोध करने के एक चालक वाहन चला रहा है तो उसे चूड़ियाँ भेंट कर दी गई। ये तस्वीर देखिए। हाँ,
इनका स्वागत करते हैं। ये दो चूड़िया भी थी, महान ड्राइवर है ये। अब तस्वीरों के साथ हम आपको पेटलावद लिए चलते हैं। पेटलावद में भी हड़ताल का व्यापक असर है। झाबुआ जिले का एक प्रमुख केंद्र है पेटलावद, और यहां पर हड़ताल के कारण बसों के चक्के जमे थमे हुए हैं और जो ट्रक हैं वो भी जहां तहां खड़े हुए हैं। इस दौरान यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं। हमारे संवाददाता ने यात्री और चालकों से बात की, देखिए। मैं इस समय पेटलावद के बस स्टैंड पर मौजूद हूँ, और आप देखिए कि ऑल इंडिया चालक परिचालक संघ एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर हड़ताल की जा रही है। अब इनकी क्या मांग है और क्यों ये हड़ताल की जा रही है, इन्हीं से जानते हैं हम। क्यों हड़ताल की जा रही है? ये जो नया कानून जो माननीय महोदय जी ने बनाया है, इस कानून के विरुद्ध में हड़ताल की जा रही है। ड्राइवर एक आम आदमी रहता है और गरीब व्यक्ति है, और इतना पैसा कहाँ से लाएगा वो? 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल सजा। अक्सर ऐसा होता है कहीं एक्सीडेंट होता है, पब्लिक उसे आम पब्लिक उस ड्राइवर को मार देती है, वहाँ से उसको मजबूरी में भगना पड़ता है। ऐसे में कानून व्यवस्था बता रही है कि वहाँ ही खड़ा रहे, हॉस्पिटल को सूचना करे। इतने में उस व्यक्ति को मार दिया, उसका जवाबदार कौन है? उसका परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? हमारा यही निवेदन है, ये जो कानून बनाए हैं ये वापस लिया जाए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये कानून जो बनाया है सही है या गलत है? गलत है ये कानून। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो कानून बनाया अमित शाह जी ने, ये बहुत ही गलत है, सरासर गलत है। 7-7, 8-8 लाख रुपए होते तो हम घर रहते, गाड़ियां नहीं चलाते। इसलिए कानून जल्द से जल्द वापस लिया जाए, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। बस यही कहना है। तो पेटलावद के बाद बामनिया की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। बामनिया में भी आज ट्रक चालक इकट्ठा हुए और सीधे पुलिस चौकी बामनिया में पहुंच गए। यहां उन्होंने चौकी प्रभारी को ज्ञापन दिया, और ज्ञापन में उन्होंने चेतावनी दी कि वो कल यानी आने वाले कल में हड़ताल करने जा रहे हैं, चक्का जाम करने जा रहे हैं। तो चक्का जाम की सूचना के साथ उन्होंने ज्ञापन दिया और इस कानून का विरोध किया। इस विरोध और ज्ञापन के बाद क्या कहा, ये बयान सुनिए। मेरी ये हमारी ये समस्या है उनकी कि 10 लाख रुपए हमारे पास होते हैं, 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना करा तो हम कहाँ से ला के देंगे? 10 हज़ार तो हमारी तनख्वाह है, और 300 रुपए भत्ता है, तो उसमें हमारा गुजारा कैसे होगा? सरकार ने कानून लागू किया है कि सरकार ने कानून लागू करा है तो इसमें हम अमल नहीं है, और इतना पैसा हमारे पास होते तो हम गाड़ी नहीं चलाते, और कल से एक्सीडेंट होता है तो हम भगने का कारण हमारा ये है कि वारदात मौके पे हमको कोई पब्लिक मारे नहीं, इसके लिए हम चौकी थाने पे जाते हैं। तो आज ही हमने तस्वीरों में आपको दिन भर जो झाबुआ अलीराजपुर जिले में गतिविधियां हुई चालकों की, उसके बाद उससे रूबरू कराया, और आपको ये सूचना और दे दें कि मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने ट्रक चालकों की या चालकों की हड़ताल को अवैध करार दिया है, असंवैधानिक करार दिया है, और सरकार से कहा है, मध्य प्रदेश सरकार को, कि वो सख्ती से इस हड़ताल को समाप्त कराएं। दरअसल उपभोक्ता जागरूक मंच की ओर से एक याचिका लगाई गई थी, जिसकी सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने ये आदेश दिया है। तो आज की खबर में इतना ही, कल के अपडेट के लिए बने रहिए सीबी लाइव के साथ।